हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की सीरीज प्रैक्टिस से चल रही थी, तो उसी के तहत आज हम अगला देखेंगे। आज हमारा ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा यूथ कंपटीशन का, इसमें देखते हैं। अभी तक हमने गणना चक्र किए थे, बारी बारी से 10 तक किए थे, और एक किया था हमने उपकार पब्लिकेशन का, ठीक है। तो ये हमारा यूथ कंपटीशन का पहला प्रैक्टिस सेट है, और सीरियल के हिसाब से हमारा ये 12वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से आखिरी तक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है गायक, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद होगा गय धन इक, ठीक है, ए धन आ, जिसमें आता है वो हो जाता है आय, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा गायक, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें अयारी संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो हमने बताया था नदी, नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग की बात की गई है, तो इसमें हमारा देखो, अगर रचना की बात की जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक, क्योंकि जैसे किसी कवि ने कोई रचना की, ठीक है, तो हमारा जो क्रिया आती है वो स्त्रीलिंग आती है, तो इस वजह से रचना की ये, सॉरी, आगे देखते हैं। प्रार्थना, ये भी प्रार्थना की, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। आज्ञा, आज्ञा मानी, ये भी स्त्रीलिंग। तो हमारा जो पत्र है ना, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण की बात की जाए, चौथाई, चौथाई में विशेषण, तो इसमें जो विशेषण आएगा वो आएगा आवृत्तिवाचक होगा नहीं, गणनावाचक ये भी नहीं होगा, चौथाई, क्योंकि चौथाई है ये अनिश्चित है ना, किसी पूर्ण का बोध तो कराता नहीं, तो ये अपूर्ण बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्रमवाचक की बात की जाए तो अगर आगे पीछे कोई आए, एक दो तीन चार, तो ये चौथाई है जो अपूर्ण बोधक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को, तो राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राजा सेवक को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, कर्म को, राजा सेवक को, तो इसमें राजा किसको देता है? सेवक को, ठीक। देखिए इसमें, देखिए इसमें ये हो जाएगा कि राजा सेवक को कंबल देता है, मतलब अगर सोच रहे होंगे कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म नहीं होगा यहाँ पे, जब कर्ता किसी के लिए कार्य करता है तो क्या होता है? तब होता है यहाँ संप्रदान, ठीक है, संप्रदान कारक होता है। राजा किसके लिए कार्य कर रहा है? सेवक के लिए। सेवक को क्या दे रहा है? कंबल, ठीक है। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता है तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, काल कौन सा है? तो मैंने आम खा लिया है, खा लिया है, यानी कि सीधी सी बात हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है, क्योंकि अपूर्ण तो होगा नहीं, भूतकाल यानी खा लिया है, ठीक है। आगे है हमारा, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद कौन सा होगा? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ठीक है, तो अव्यय इसमें हो जाएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा अव्यय हो जाएगा, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अब तत्सम की इसमें बात की गई है, देखिए तत्सम शब्द, मां, माँ का क्या हो जाएगा? माँ का मात्र हो जाता है, ठीक है, तत्सम, ये तद्भव है,
मछली, ये भी तत्व, मछली का तत्स्य क्या हो गया, मत्स्य, ठीक है। केला, केला का कदली होता है, ठीक है। ये अमूल्य जो है, इसमें देखो आधा ला या है, ये कुछ पहचान होती है, ठीक है। अमूल्य है ये तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव होता है अमोल, ठीक है। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट है खगेश का पर्यायवाची शब्द। खगेश का पर्यायवाची क्या है? खगेश का पर्यायवाची की बात की जाए, खगेश होता है गरुड़ का पर्यायवाची, ठीक है। तो गरुड़ की पर्यायवाची क्या होते हैं? विधु, ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। और वासुदेव, ये कृष्ण का हो गया। बाक, ये तो भाषा का हो गया। तो ये बैनते जो है, बैनते, ये खगेश का पर्यायवाची, गरुड़ का, ठीक है। ये गरुड़ का पर्यायवाची होता है बैनते। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग के पर्यायवाची की बात की गई, तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है? स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं वैकुंठ, ठीक है, दिव्य धाम, ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। गौ, ये गाय का होता है, ये स्वर्ग का नहीं होता है, ठीक है। गोलोक होता है, ये गौ है, ये नहीं होगा। गौ किसका होगा? गाय का, ठीक। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, नाक, ये भी स्वर का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट है हमारा धर्म बुद्धि में समास है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि, तो धर्म बुद्धि में हमारा जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? स्थायी भाव की बात की गई है, तो स्थायी भाव बीभत्स का होता है जुगुप्सा, ठीक है। बीभत्स का, सॉरी, बीभत्स का क्या होता है? बीभत्स का होता है जुगुप्सा, ठीक है। हास्य का हास होता है। शांत का निर्वेद होता है। ये विषाद जो है ये नहीं है, आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार की बात की गई है, तो वही मनुष्य है कि मनुष्य, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या आया? माँ, मनुष्य आया, बार बार मनुष्य आता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात की जाए, तो जो मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की बात की जाए तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो कृत है उपन्यास, ये परीक्षा गुरु हिंदी का मौलिक उपन्यास है, ठीक है। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो इसका प्रकाशन लगभग 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आनंदमठ की बात की जाए तो ये बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा रचित है। गबन की बात की जाए तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तितली, ये जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसके किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि की बात की गई तो चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, ठीक है। आंसर हमारा सी सही हो जाए। आगे है हमारा, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने क्या करवाया? हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए, घी के दिए जलाए, ठीक है। तुम्हारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा घी के दिए जलाए, खुशियां मनाई, ठीक है। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए, ठीक है, यानी कि खुशियां मनाना, ठीक।
आगे गद्यांश दिया गया है और इसके बाद में विकल्प। गद्यांश दिया गया, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां से घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने निर्धारण किया होता तो यदि वे एक स्थान पर ही चले ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक के भी निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्खवे चारि भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। अद्यापि बुद्ध कभी भी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनको उनके शिष्यों ने अपने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनी और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारते। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया था। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जब जन्म लिया, पावापुरी शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों में राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है, तो हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, घुमक्कड़ में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा अक्कड़। ठीक है, ये अक्कड़, घूमना, घूमना एक क्रिया है, तो उसमें अक्कड़ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? घुमक्कड़। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। आगे है हमारा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? देखिए, स्वच्छंद में सीधी सी बात है, ये हमारी होगी व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, स्वदन छंद, स्वदन छंद। ठीक है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो वो कितने वर्ष के थे? तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब वो 35 वर्ष की आयु के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ जो होता है वैदिक धर्म कहा जाता है, श्रुति धर्म को वैदिक धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर, यहाँ ये व्यंजन है, ये कौन सा व्यंजन है? यहाँ की बात की जाए तो ये व्यंजन होता है हमारा तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है, वहां होता है वो तालव्य व्यंजन होता है। जो चा वर्ण होता है, चा, ठीक है, चा छा जा झा, वहां ये कौन से होते हैं? तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा की बात की गई है, तो हिंदी की जो उपभाषा नहीं है वो है नहीं मराठी। ठीक है, मराठी ये हिंदी की उपभाषा नहीं है, किसकी? ये संस्कृत के लगभग में आती है। ठीक है, संस्कृत से इसका जन्म हुआ है मराठा। ठीक है, मराठी का। नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रोहन को रिक्त स्थान है कि मोहन इतना काम करेगा, क्या आएगा? तुम रोहन को आशंका है, ठीक है, आशंका है कि मोहन इतना काम करेगा, यानी कि जो भविष्य काल के लिए शंका या आशंका की जाती है। ठीक है, शंका होती है वर्तमान में, आशंका होती है भविष्य काल के लिए। ये रहा, याद रखिए, ये जो शंका होती है ये भविष्य के लिए होती है, आशंका यानी कि आशंका ये भविष्य के लिए होती है। क्या हो जाएगा? रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करेंगे। ठीक है, देखिए, इटली की राजधानी रोम के
की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया उजाड़ा और बसाया, उजाड़ा और बसाया, ठीक है। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। देखिए दिल्ली भी, दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, स्थान है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ठीक है, उजाड़ी और बसाई गई, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द चतुष्कोण, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला सही हो जाएगा, ये सभी गलत है, ठीक, चतुष्कोण डी वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला शब्द चुनिए। कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य वाला शब्द यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, यानी कि जिस पर कर्म की प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य होता है। जैसे ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्मवाच्य, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यानी कि किस पर पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव, किस पर पड़ रहा है, तो इसमें जो मारा गया क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, चूहे पर पड़ रहा है, ठीक है, चूहे पर पड़ रहा है, तो ये हमारा कर्मवाच्य होगा, बिल्ली के यहाँ तो चूहा मारा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए निम्न रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। देखिए मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है, ठीक है, देखते हैं क्या है। जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा, स्पर्धा नहीं होती है किसी रिश्ते से, स्पर्धा थोड़ी होगी, तुलना होगी, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा है, सी हो जाएगा, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है, अवर्णनीय, अवर्णनीय के लिए जो वाक्य है वो हो जाएगा हमारा, जिसे बाड़ी व्यक्त ना किया जा सके, बाड़ी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, अवर्णनीय हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो बाड़ी द्वारा व्यक्त नहीं, जिसे बाड़ी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, मतलब एक मिनट, अवर्णनी का मतलब है कि जो बाड़ी व्यक्त न कर सके, ठीक, सी हो जाएगा, जो बाड़ी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहते हैं, अवर्णनीय, जो बात वर्णन से परे हो उसे कहते हैं वर्णनातीत, इसको कहते हैं जो बात वर्णन से परे हो, वर्णनातीत, ठीक है, और जो बाड़ी द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उसको निर्वचनीय कहते हैं, निर्वचनीय, और जो जिसे बाड़ी व्यक्त ना कर सके वो अवर्णनीय होता है, जो वचन या बाड़ी द्वारा ना कहा जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, ठीक। आगे है हमारा, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, काटो तो खून नहीं, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा, लोकोक्ति का अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है, कि हम इतना डर गए तो काटो तो खून नहीं, ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, अष्ट छाप के कवि नहीं है, अष्ट छाप के कवि नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखिएगा, अष्ट छाप के कवि कौन कौन से हैं, ठीक है, देखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ के चार शिष्य कौन कौन से हैं, वो जो हैं उनमें गोविंद स्वामी हैं, नन्ददास हैं, ठीक है, छीत स्वामी हैं, चतुर्भुजादास हैं, बल्लभाचार्य हैं, और जो बल्लभाचार्य के चार शिष्य हैं
वो सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं, परमानंद दास अष्टछाप के हैं, कृष्णदास, ठीक है, तो ये अष्टछाप के कवि हैं। तो अष्टछाप के इसमें कवि कौन से नहीं है, वो नंददास जो हैं, जो नंददास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है, सॉरी कृष्णदास, एक मिनट, जो कृष्णदास है ना ये अष्टछाप के नहीं है, नंददास, नाभादास, परमानंद दास, ये तीनों लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा हमारा स्थूल, ठीक है, सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबली और आविल का अर्थ क्या है, अबली और आविल का अर्थ, अबली जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, आविल है ये पुल्लिंग होगा, तो समझ लीजिए अबली और आविल। अबली का अर्थ होता है पंक्ति, और आविल का क्या होता है, आविल का होता है गंदा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अत्याचार में उपसर्ग हो जाएगा अति धन आचार, अत्याचार ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, महोर्मी, तो ये गुण संधि है महोर्मी, तो महाधन ऊर्मी, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, महाधन ऊर्मी, महोर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं, कौन से वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जिसमें होता है वो सरल वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो वैदेही वनवास की बात की जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास, वनवास, ठीक है। आगे है अब हमारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की बात की जाए तो सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 2023 में भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 देशों की सूची में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 40वां, ठीक है, कौन सा, 40वां स्थान, और 2022 में भी 40वां स्थान था, और स्विट्जर नंबर एक पर रहा है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में ये लगभग 13वें वर्ष ये प्रथम स्थान पर रहा है, 13 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है वो लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, और सबसे छोटे की बात की जाए तो वो हापुड़, ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़, और लखीमपुर सबसे बड़ा है, जिसका अगर वर्ग क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 7,680 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया चेक गणराज्य यानी प्राग में, ठीक है, प्राग में इसका आयोजन किया गया था, और इसकी अगर थीम की बात की जाए तो इसकी थीम थी टुगेदर ऑन द रोड अगेन, टुगेदर ऑन द रोड अगेन इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो कहाँ है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो बिठूर कानपुर नगर में है, ठीक है, बिठूर कानपुर नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाई मुड़ी है, ठीक है, अन्नाई मुड़ी, इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 2695 मीटर है, 2695 मीटर, और अन्नाई मुड़ी ये कहाँ है, ये केरल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ता थर्मा
लेचिमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनको अध्यक्ष जो चुना गया है वो सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये शारदा नहर है जो कि उत्तराखंड यानी कि ये बनबसा के पास से निकाली गई है, नेपाल बॉर्डर के पास से, ठीक है, जो टनकपुर बांध है वहीं से ये निकाली गई है, नहर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? ये किस राज्य ने? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है, ठीक है, किसने की है? मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद की बात की जाए तो ये आयोजित की गई थी राजगृह में, ठीक है, राजगृह में, जो जिसका, सॉरी, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ की गई थी? राजगृह में, जिसका एक हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, राजा महाराजा आजा, ठीक है। राजगृह, राजा महाराजा आजा, वैसे सबका काल है, पटाओ मत आसिक, कुंवर भी कंगाल है, ठीक है, कुंवर बसु कंगाल है, ऐसे कहते हैं। तो राजा महाराजा, सम्राट की बात की जाए तो इसमें अजातशत्रु थे, राजगृह में आयोजन हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष की बात की जाए तो राजा महाराजा नहीं, महाकश्यप थे। इस तरह से एक बोल्ट कितने की बराबर होता है? एक बोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो एक बोल्ट जो होता है वो होता है जूल कूलाम, 1 न्यूटन जूल कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। एक जूल प्रति कूलम, अपन बी वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? भैया भारत में, भारत के संविधान में उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका यानी कि हमारी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना, उसका विचार लिया गया था यूएसए के संविधान से, ठीक है, कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से, विचार संविधान, एक मिनट, देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार की बात की गई तो लिया गया है यूएसए के संविधान से। और अगर जो उद्देशिका किसको कहते हैं? प्रस्तावना को, प्रस्तावना ली गई है यूएसए के संविधान से। और इस प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो ये ली गई है जर्मनी से, ठीक है, सॉरी, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। प्रस्तावना या उद्देश्य का एक ही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब जो जीता है वो जीता था भारत ने, ठीक है, किसको हराया था? भारत ने मलेशिया को पराजित किया था, भारत विजेता रहा और मलेशिया उप विजेता रही थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह है तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्रदान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है, और श्वेत रुधिर कणिकाओं का 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो खाना बनाते समय ज्यादा ताप होने पर जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिजा देवी का जन्म हुआ था बनारस में, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ये वाराणसी घराने से संबंधित हैं और इनका अभी मृत्यु हुई है हाल में, 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इनको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था, रूपक या रूपक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो भैया नेपाल की मुद्रा की बात की गई है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन छूट गया मैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी की बात की जाए तो ये चालुक्यों की राजधानी जो थी वो थी बातापी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। इनका संस्थापक की बात की जाए तो वो पुलकेशिन द्वितीय इनका वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, ठीक है। रुपया, टका ये बांग्लादेश की, डॉलर ये अमेरिका की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध की बात करें तो ये गैंडे के लिए, एक सींग वाला जो गैंडा, इसी में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है, जो कि असम में स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल बयात सॉरी प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है संकुल व्यापार, ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ठीक। ये 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा है वो आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई? आयरलैंड से, सॉरी। और नीति निदेशक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये हमारे संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से भैया समवर्ती सूची ली गई है। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है, ठीक है। यूएसए के संविधान से तो पता ही है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ठीक है। मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, तो इस तरह का है हमारा। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो वो 352 के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत कर सकता है। ये कब कर सकता है? सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। और अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है? तो अब तक 3 बार। तीन बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है, ठीक है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब हुआ था, फिर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उसके बाद 1975 में ये आंतरिक अशांति के कारण, ठीक, राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपात है, राज्य आपात है 356, ये वित्त आपात है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो भैया यूरेनियम जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, हमने हमने लोगों ने यूपी स्पेशल में पढ़ा था, 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ठीक है, अगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1965 में हुई है, और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में भाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, मांग पैदा करने यानी मांग उत्पादन के लिए क्या जरूरत है? तो भैया मांग उत्पादन के लिए जरूरत क्या पड़ेगी, तो आय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये होती है फंगल। कौन सी होती है? फंगल बीमारी होती है भैया। ठीक है, फंगस किसके द्वारा फैलती है? तो ये ट्राइकोफाइटन होता है, जो ट्राइकोफाइटन फंगस, ठीक है, और माइक्रोस्पोरम, उसके द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए सही की बात की गई है, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, सीधी सी बात, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, रामागुंडम, रामागुंडम जो है ये, सॉरी ये तेलंगाना में है रामागुंडम, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये रामागुंडम ये तेलंगाना में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तलचर, तलचर तो ये उड़ीसा में है, ये भी नहीं है, तलचर है ये उड़ीसा में है, काबास है ये गुजरात में है, तो इसकी ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, काबास है, काबास ताप विद्युत है ये गुजरात में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, और तलचर ये उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं? भैया पद्मा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं हमारी किस नदी को? गंगा नदी को। ठीक है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, कहाँ? बांग्लादेश में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो वो कहा था गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने कहा था स्वयं का सच्चा गुरु। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो कौन था? चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस था जो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला था वो थॉमस मुनरो था। ये थॉमस मुनरो जो है इसी ने रैयतवाड़ी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, तो ये किसका है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है हमारा, कि आपकी सुरक्षा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, तो ये थे हमारे जीएस और हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, शुरू से आखिरी तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, तो
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।